हेलो फ्रेंड्स, आज हम चटपटा खट्टा मीठा इंस्टेंट मैंगो टैंगो बनाने जा रहे हैं। मैंगो टैंगो बनाने के लिए मैंने कच्चे 4 आम को कद्दूकस कर लिया है और उसके लिए हमें गुड़, शुगर, नमक, जीरा पाउडर और पुदीने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आधे इसमें गुड़ डालेंगे और आधे इसमें शुगर डालेंगे। अभी मैं पहले कद्दूकस किया हुआ मैंगो को मिक्सी में चला लेती हूँ। कच्चे आम को पीसने के लिए मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ और फिर हम इसको थोड़ा पीसेंगे, अच्छा बारीक होने तक पीसेंगे और उसके बाद में हम जीरा पाउडर, नमक और शुगर इसमें डालेंगे। आम को मैंने अच्छे से मिक्सी में चला लिया है, कम से कम 7-8 बार इसको चलाना है, तब ये महीन पीसेगा। अब हम इसको छाननी में डाल के छान लेंगे और जो पानी निकलेगा वो हम हमारा मैंगो टैंगो बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हम इसे अच्छे से छान लेंगे। देखिए पानी निकल आ रहा है। अभी और मैं अच्छे से छान लेती हूँ, फिर हम इस पानी को यूज़ करेंगे। आम को मैंने अच्छे से छान लिया है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, बस इतना ही बचेगा अगर आप अच्छे से इसको मिक्सी में चर्न करोगे तो। अभी इस पानी में हम जीरा, पुदीना, नमक ये डाल के पहले मिक्सी में चला लेंगे और फिर आधा आधा बना के मैं गुड़ और शुगर डालूँगी। पुदीना, जीरा और नमक डालने के बाद हमारा मैंगो टैंगो ऐसे बनेगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और शुगर ऐड करेंगे तो हमारा मैंगो टैंगो एकदम तैयार है। ना ये रेसिपी फटाफट बनने वाली, तो चलिए हम अभी आगे के स्टेप पे चलते हैं। आधा मिक्सचर मैंगो टैंगो का मैंने मिक्सी में ले लिया है, इसमें अभी हम शुगर ऐड करते हैं और मिक्सी को चला लेंगे। शुगर का हमारा मैंगो टैंगो एकदम तैयार है। अब हम गुड़ वाला मैंगो टैंगो बनाते हैं। गुड़ वाला मैंगो टैंगो बनाने के लिए हमने आधा मिश्रण मिक्सी के बोल में डाला है और इसमें अभी हम गुड़ डालेंगे और इसको अच्छे से घुमा लेंगे। गुड़ डालने के बाद हमारा मैंगो टैंगो ऐसा दिख रहा है। इसमें मैंने अदरक भी डाला है, तो इसकी अदरक का भी बड़ा अलग सा फ्लेवर आ रहा है, तो आप भी ट्राई कीजिए। हमारा मैंगो टैंगो एकदम तैयार है। एक में मैंने गुड़ डाला है और एक में मैंने शुगर डाला है, कलर से बिल्कुल पता चल रहा है। मैंगो टैंगो बहुत जल्दी बन जाता है, हम इंस्टेंट बोल सकते हैं इसको। मैंगो काटा या कद्दूकस किया, मिक्सी में चलाया, गुड़ और शुगर डाल दिया कि हमारा मैंगो टैंगो तैयार। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका फ्लेवर भी बड़ा फ्रेश लग रहा है, इसलिए मैंने इसको मैंगो टैंगो बोला है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैंगो टैंगो ज़रूर बनाइए।